हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं आज आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, विच इज़ अबाउट हेयर फॉल, डैंड्रफ, ड्राई स्कल्प या फिर ऑयली स्कल्प, ये सब के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद डैंड्रफ। सो डैंड्रफ बहुत टाइप के होते हैं, या तो आपके ड्राई स्कल्प है इसलिए आपके जो ड्राई डैंड्रफ होते हैं वो होते हैं, एंड अगर आपकी ऑयली स्कल्प होते तो उसके लिए भी आपकी जो ना ऑयली वाली डैंड्रफ होती है। सो डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होने के कारण एक तो आपका हेयर फॉल होता है, दूसरा होता है कि आपके चेहरे पे बहुत सारा पिंपल्स एक्ने निकल के आते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम अपने हेयर ट्रीटमेंट करें। आज जो प्रोसेस के बारे में बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा पुराना प्रोसेस है, लाइक वो हमारी ग्रैंड पेरेंट्स के ज़माने से टाइप की है, लाइक ये बहुत ही पुराना होम रेमेडी प्रोसेस जो भी है वो है। लाइक ये प्रोसेस ना मेरी मम्मी भी पहले यूज़ करती थी, एंड आई वॉज लाइक क्या लगा रही हो, व्हाट इज़ दिस, ऐसा टाइप का ना। तो फिर क्या है ना, अब देखो अब जैसे टाइम जैसे निकलते जा रहे हैं ये पुरानी जो प्रोसेस है वो फिर से वापस आ गया। इस प्रोसेस से आपकी डैंड्रफ, आपके हेयर फॉल, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बहुत लोग होते हैं कि वो लोग के जो बाल है वो बहुत जल्दी ग्रे या वाइट ऐसे हो जाते हैं, जबकि वो लोग के एज भी नहीं होते हैं, बट स्टिल वो लोग के हेयर जो होते हैं वो ग्रे वाइट ऐसे हो जाते हैं। तो उसके लिए भी ये बेस्ट है, क्योंकि यू डोंट हैव टू कलर योर हेयर, इससे यही प्रोसेस से आपके जो बाल के कलर है वो हमेशा के लिए ब्लैक ही रहेगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं कोई ऐसे ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लाइक यू नो केमिकल ट्रीटमेंट से बाल अच्छे नहीं होते, केमिकल ट्रीटमेंट सभी करते, इवन आई डिड, मैंने भी केमिकल ट्रीटमेंट किया, मैंने केमिकल ट्रीटमेंट से अपने हेयर स्ट्रेट किया, बट प्रॉब्लम क्या होता है ना, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाते, ऑब्वियसली मैं भी नहीं कर पाती हूँ, मैं एक्चुअली नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि एक तो आप 4-5 हज़ार दे के आप हेयर स्ट्रेट कराओ, चाहे आप 6 हज़ार दे के हेयर स्मूथनिंग कराओ, उसके बाद आपको क्या होता है ना, मंथली आपको स्पा करना होता है, ठीक है। स्पा में पहले था 500, अब धीरे धीरे 1000 हो गया, अब धीरे धीरे 1200 हो गया, धीरे धीरे 1500 हो गया, अब स्पा की ना बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हो गए, लाइक इसके लिए ये स्पा, उसके लिए ये स्पा, ऐसा ऐसा करके, तो उस हिसाब से प्राइस भी हाई होते जा रहे हैं। अब हेयर स्ट्रेटनिंग करा लिया, सपोज मैं कोई पार्लर में गई, मैंने हेयर स्मूथनिंग कराई 4000 लेके, बहुत अच्छे से मेरा हेयर स्मूथनिंग हुआ, मेरे लेंथ यहाँ तक है, तो मुझसे 4 या फिर 5 हज़ार लेके मेरा हेयर स्मूथनिंग कर दिया, हेयर स्मूथनिंग बहुत अच्छा से रहा, लाइक मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ हेयर स्मूथनिंग के बाद, एकदम चेहरा चेंज अलग सा हो गया ऐसे। फिर क्या होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मंथ्स रहता है, ठीक है। अब ये स्मूथनिंग जो है वो लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए मुझे अलग से 1000-2000 रुपया खर्च करना होता है, किसपे, शैम्पू, कंडीशनर एंड मास्क एंड सीरम, ठीक है। फिर भी सीरम चलो वो लोग बोलते हैं कि आप कुछ भी सीरम यूज़ करो कोई बात नहीं, बट शैम्पू एंड कंडीशनर इज़ मस्ट, आपको अच्छा वाला शैम्पू यूज़ करना पड़ता है। सपोज़ अगर एक शैम्पू हो गया 1000 रुपया, जैसे 800 हो गया, 900 हो गया, 1200 हो गया, कुछ भी हो गया, अब कंडीशनर तो आएगा उसी के प्राइस पे, ठीक है। तो दोनों हो गया 1000 से ज़्यादा हो गया, चलो पकड़ लो 1200-1500 कुछ भी पकड़ लो। अब अलग से हेयर मास्क ऐड हो जाते हैं, कहते हैं कि वीक में एक बार आपको हेयर मास्क करना ही होगा मैम, सॉरी कि आपके बाल अच्छे रहे, सारा पैसा वेस्ट करो बस एक केमिकल हेयर ट्रीटमेंट के लिए। चलो अब बात करते हैं कि वो कौन से होम रेमेडी है जिससे आपके बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाए। सो ये होम रेमेडी है बहुत ही सिंपल सा, एंड यहाँ पर ऑप्शनल है, लाइक आप इसे हेयर मास्क, लाइक एज ए हेयर मास्क आपको यूज़ करना है या शैम्पू यूज़ करना है। अगर आप चाहते हो कि आपको ये रेगुलर बेसिस पे आपको यूज़ करना है तो आप शैम्पू के लिए जा सकते हो, एंड अगर आपको एज ए हेयर मास्क इसे यूज़ करना है तो वीक में एक बार आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो क्या इंग्रीडियंट है, आपको पता है आंवला, आंवला कितना ज़्यादा अच्छा होता है स्किन एंड हेयर के लिए। अच्छा बताओ, अगर हम लोग की रूट से स्ट्रांग नहीं होता है तो फिर ये तो डैमेज होना बनता है ना। अब हमारी जो स्कल्प होता है वो भी तो एक स्किन होता है ना, तो अगर वो ड्राई होता है या फिर टू ऑयली होता है तो हेयर प्रॉब्लम तो हो गई। सो यहाँ पर जो एक अमेज़न में आता है, मैं उसकी लिंक आपको शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर है एक आंवला शिकाकाई पाउडर, जहाँ पर होता है आंवला, रीठा एंड शिकाकाई। सबको पता होगा कि ये एक पाउडर फॉर्म में आता है, एंड इसे पानी के साथ मिक्स करना है एंड लगाना है, वैसे भी करोगे तो भी इफेक्टिव होगा, बट मैं आपको ऐसे कुछ बहुत ही ईजिली जो घर पे मिल जाते हैं, जो हर कोई के किचन में होते हैं, कुछ कुछ मैं आपको ऐड करना होगा जिससे आपको रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिले। सो क्या है वो चीज़, सबसे पहले तो मैं आंवला के बारे में आपको बताऊंगी, मैं सब कुछ आपके शॉर्ट में बता देती हूँ। पहले तो आंवला, आप लोग कभी आंवला खाते हो, जब आप लोग आंवला खाते हो ना तब आपके हाथ पे देखना वो ना पूरा ऐसे कैसे काले काले से हो जाते हैं हाथ, तो आंवला क्या है ना वो आपके हेयर को सफ़ेद होने नहीं देगा। आंवला यहाँ पर क्या काम करता है कि वो एक तो आपकी जो हेयर है उसे पूरा शाइन देते हैं, प्लस इससे क्या होता है ना, इससे हेयर ग्रोथ होता है, एंड थर्ड थिंग क्या है कि ये जो आंवला है ना इससे हमारी जो हेयर ग्रे या वाइट जो होते हैं वो नहीं होगा, समझ रहे हो, वो नहीं होगा, लाइक वो उसके यूज़ से आपके जो, अगर आपके इशू है कि आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं तो ये जो आंवला पाउडर है ना और ये जो आंवला है ना वो आपको बहुत इफेक्टिव होगा। आपको हेयर कलर यूज़ करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप हेयर कलर यूज़ करोगे चाहे वो जितने भी अच्छे ब्रांड की क्यों ना हो उससे आपके हेयर ड्राई होना ही है, एंड उसे ड्राई नहीं होने के लिए आप अलग से एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके आप अलग से फिर एक पहले शैम्पू लोगे सो देट कि आपके कलर जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, है ना। तो ये करने की क्या ज़रूरत है, जब आपको आंवला से आपका सब कुछ हो गया तो आप डायरेक्टली आंवला पाउडर, अगर आपको आप ऐसे डायरेक्टली आंवला भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आंवला से भी डैंड्रफ कम होता है, डैंड्रफ कम मतलब हेयर फॉल्स कम, हेयर फॉल्स कम मतलब आपके हेयर अच्छे रहेंगे, एंड
ऑल्सो हेयर ग्रोथ भी ये करता है, सो आप सिर्फ आंवला पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, आप अलग अलग वे में उसके यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी तीनों को एक साथ ही करने के लिए, क्योंकि पहले ज़माने में भी तीन को एक साथ ही कर देते। पहले क्या करते थे, आंवला शिकाकाई एंड जो डीठा है वो एक साथ मिलाकर पानी पे ओवरनाइट रख देते थे, एंड नेक्स्ट दिन उसी को ही पूरे अच्छे से मिक्स करके उसके जो पानी होते उससे जो उसके जो पानी होते थे उससे एज अ शैम्पू यूज़ करते थे, ठीक है। एंड जो बचा हुआ जो आंवला डीठा एंड शिकाकाई जो है वो जो बचा हुआ उसे एक कपड़े पर लपेट कर उसे धूप पर सुखा कर उसे रख देते थे, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम फिर से रीयूज़ कर सकें। सो यहाँ पर एक बार मैं आपको यू नो तीन लाइक मैंने जब अमेजोन से खरीदा था मुझे ये पड़ा था 200, मुझे ये पड़ा था 200, सो इट इज़ मच बेटर देन वो 1000-2000 टी। तो आंवला का मैंने बता दिया। अब रीठा क्या करते हैं ना, वो एक शैम्पू के लिए मतलब वो एक फॉर्म रिलीज़ करते हैं, इसलिए तो कहा ना कि आप इसे शैम्पू भी बना सकते हो एंड हेयर मास्क भी बना सकते हो। तो और ये जो रीठा होता है ना ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, क्यों, क्योंकि ये बालों के लिए भी अच्छे हैं एंड ज्वेलरीज ऑर्नामेंट्स होते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छे हैं। उसके पानी में अगर आप कोई भी ज्वेलरीज आप उसे ओवरनाइट अगर सोक करके रखोगे एंड नेक्स्ट मॉर्निंग उसे जब आप ब्रश से साफ कर दोगे देन वो एकदम बहुत ही सुंदर से उसकी जो पुरानी जो चमक है वो वापस आ जाती है। सो रीठा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अब मैं आपको बताऊँगी कि हेयर मास्क और शैम्पू आपको कैसे बनाना है। जब आप वो तीन पैकेट्स ना आप लाइक आपके हेयर के ऊपर डिपेंड है कि आपकी हेयर कितनी लंबी है, अगर मेरे जैसे बस इतना ही मेरे जैसे अगर इतना ही लेंथ की है तो दो चम्मच से ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको तीन पाउडर मिक्स करना है तो हर पाउडर से अगर दो चम्मच लगोगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, मैं शैम्पू के लिए बता रही हूँ, ठीक है। शैम्पू के लिए आपको क्या करना है, जो आंवला पाउडर है उसको दो चम्मच लेना, रीठा पाउडर से दो चम्मच लेना और शिकाकाई पाउडर से दो चम्मच लेना, ठीक है। उसे आप पानी अच्छे से मिक्स करके उसे ना उसे अच्छे से बॉईल करना, ठीक है, अच्छे से बॉईल करना, पूरे अच्छे से बॉईल करना। जब वो बॉईल हो जाएगा तो उसे ठंडे होने के लिए रख देना या फिर आप ओवरनाइट भी रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसे एक बॉटल में ढालना है एंड दैट्स इट, इट्स सो सिंपल, राइट। अब ये जो है ना आपको पहले अपने बाल जैसे हम नॉर्मल शैम्पू करते पहले बाल अच्छे से भिगाते हैं देन हम शैम्पू लगाते हैं, तो इसी तरह आप इसे यूज़ कर सकते हो एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ही अच्छा है। लाइक आप इसे ट्राई करके देखो, 200 रुपया ही तो है, आप कितने हज़ार रुपया खर्च करते हो तो आप यहाँ पर 200-300 तो खर्च कर ही सकते हो, है ना, क्योंकि ये बहुत अच्छा इफेक्टिव। अब ये कोई ऐसा जादू नहीं है कि लाइक यू नो डैंड्रफ एक बार में एक दिन लगाओ एंड फर्स्ट यूज़ में गायब हो जाओ, ये आपके डैंड्रफ के ऊपर डिपेंड है, आपके बहुत ज़्यादा हैवी डैंड्रफ है या नॉर्मल है या बहुत ही ज़्यादा कम। अगर आपके बहुत ही ज़्यादा कम होगा तो पहला यूज़ में आपको पता चल जाएगा एंड आपका थोड़ा सा अगर जो आते हैं नॉर्मल स्टेज में जो आते हैं जो मेरी डैंड्रफ है वो है तो यू नो वीक में दो बार या तीन बार लगाने पर ही चला जाएगा एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो आई सजेस्ट कि आप एज अ शैम्पू इसे यूज़ करो, क्योंकि शैम्पू के लिए यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यू नो मास्क लगाओ उसे लगा कर फिर रखो तो ये बहुत थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है अगर आप अपनी डेली लाइफ में बहुत बिजी है। हाँ, आप संडे सैटरडे ऐसे वीकेंड्स में आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको आपके बहुत ज़्यादा डैंड्रफ बहुत हेयरफॉल का इशू है अगर ये सब है तो आई सजेस्ट कि आप एज अ रेगुलर बेसिस में आप एज अ शैम्पू यूज़ करो। एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर मतलब वीक में पूरे दिन यूज़ करो, वीक में कोई 3 दिन या 4 दिन ऐसे यूज़ करो, वो भी गैप रख के, ऐसा नहीं है कि 3 दिन है तो पूरा कंटिन्यू 3 दिन। तो ये बहुत सिंपल है, जैसे आप शैम्पू यूज़ करते हो ना वैसे ही है, मतलब कुछ मिलाना विलाना कुछ एक्स्ट्रा से आपको वहाँ पर शैम्पू वैम्पू ऐड करना नहीं पड़ेगा। लाइक आप इससे पहले यूज़ करके एक बार यूज़ करके देखिए एंड देन आते हेयर मास्क। एंड नाउ हेयर मास्क को हम कैसे करें, हेयर मास्क में क्या होता है, सबसे पहले तो वही सेम प्रोसेस से मिक्स करना होता है, अब हमें पेस्ट बनाना होता है तो हम लोग ज़्यादा पानी नहीं डाल सकते, हम लोग थोड़े से पानी डालेंगे प्लस उसमें लेमन डालेंगे। सब कहते हैं कि लेमन से हेयर वाइट होते हैं बट नहीं, अगर आप डायरेक्ट लेमन अगर आप स्कल्प पे लगाओगे लाइक उसे रब करके अगर आप यूज़ करोगे तो भी आपका हेयर वाइट होता है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ के साथ डाइल्यूट करके अगर आप लगा रहे हो तो आपको हेयर वो सफ़ेद नहीं होंगे। सो ट्रस्ट मी आप ऐसे कर सकते हो क्योंकि मैंने भी खुद किया। सो लेमन से हेयर वाइट नहीं होता है। एंड सेकेंड जो है वो है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल जैसे कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एंड इफेक्टिव है। सो आप जब आप एज ए हेयर मास्क अगर यूज़ कर रहे हो तो डू नॉट फॉरगेट कि आप एक चम्मच या दो चम्मच आप सरसों के तेल डालिए एंड उसे हेयर मास्क जैसे आप लगाइए एंड देन उसे अच्छी तरह से पूरे रूट से लेके टिप तक पूरे अच्छे से लगाइए एंड ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट्स बस रखना है एंड देन वाइल वॉशिंग आपको बस थोड़े से बाल को भिगाना है एंड देन जस्ट आपको अच्छे से मसाज करना है एंड ड्यू टू डैट रीठा की वजह से जो क्या होता है ना मैंने कहा ना कि वो फॉर्म रिलीज़ करते हैं तो वो एज ए शैम्पू जैसे पूरे अच्छे से आपके जो बालों पे बहुत अच्छे से फॉर्म रिलीज़ हो जाएगा एंड एक बार आपको कोई एक्स्ट्रा से भी शैम्पू लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसी चीज़ से आपके जो हेयर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बस तो यही था इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको देना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल जो मैं हमेशा बोलती हूँ एंड
आप नहीं करते हो, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक माई वीडियो। एंड यही इन्फॉर्मेशन था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था, बहुत इफेक्टिव है इससे डैंड्रफ, हेयर फॉल एंड आपके जो हेयर जो ग्रे होते हैं उससे सबसे बेस्ट सोल्यूशन था, लाइक 4-in-1 और 3-in-1 आप बोल सकते हो, जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आप कहीं भी से ये प्रोसेस को सर्च करो या आपके पेरेंट्स से पूछो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो, वो भी कहेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। सो अब ये आपके ऊपर में कि आप इतने सारे पैसा खर्च करके अपने बालों को ट्रीटमेंट करना चाहते हो या थोड़े ही पैसे में आपके बालों को जो है लाइफ टाइम नॉरिश एंड स्ट्रॉन्ग रख सकते हो। सो यही तक था वीडियो, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, सो डू फॉलो ऑन माई इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो दैट्स इट, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड सेफ।